जब हम स्टडी करना चाहते हैं सारे ब्रह्मांड को, सारी चीज़ों को, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स के बारे में उसका हिंदी में अनुवाद है पराभौतिकी। ये भौतिक जगह जो है, इससे परे कोई चीज़ है भी या नहीं है? अगर है तो क्या है वो? अगर कुछ चीज़ है तो क्या है? और अगर चीज़ नहीं है तो उसको हम, तो बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं पाश्चात्य में जिन्होंने मेटाफिजिक्स को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कह दिया मेटाफिजिक्स तो नॉनसेंस है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेटाफिजिक्स में कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती उनको। कांट वगैरह ने यह कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो बियॉन्ड फिजिक्स है, फिजिक्स उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे उन्होंने कहा कि जो फिजिक्स का आधार है उस आधार को फिजिक्स कभी क्वेश्चन नहीं कर सकती। फिजिक्स का आधार है मैटर, और वो मैटर को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मैटर, मटेरियल यूनिवर्स की स्टडी करना, लेकिन मैटर है क्या? मैटर है भी या नहीं? मैटर नाम की कोई चीज़ है या? तो ये जो काम है कि मैटर क्या है और कहाँ एग्जिस्ट करता है और कैसे एग्जिस्ट करता है, ये सारे की सारी मेटाफिजिक्स देखेगी। ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन हैं, इन्होंने कहा कि मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं, मेटाफिजिक हो सकती है, पॉसिबल है मेटाफिजिक। दूसरे लोगों ने उसी आधार पर कहा कि कोई लॉजिकली मेटाफिजिक्स को सिद्ध नहीं कर सकते, एंड नो साइंस कैन बी इलॉजिकल। दुनिया में कोई भी साइंस इलॉजिकल नहीं हो सकती। साइंस वो है जो रिजिडली लॉजिक को लॉजिकल, तो इसलिए जो चीज़ लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं होती वो व्यर्थ चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को तय करने के लिए कि कुछ चीज़ है या नहीं है, हमें खोज तो करनी पड़ती है, क्वेश्चन तो उठाने पड़ते हैं। इसलिए एक फिलॉसफी का एक भाग जो है, बड़ा इम्पोर्टेंट भाग, वो मेटाफिजिक्स है। और मेटाफिजिक्स को भी फिर दो भागों में बांट दिया इन्होंने। एक को इन्होंने कहा ऑन्टोलॉजी। अब लॉजी शब्द तो ग्रीक भाषा का है, लॉजी का मतलब होता है साइंस, नोइंग। ऑन्टो एग्जिस्टेंस, नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस। तो इसको हिंदी में अनुवाद किया हमने तत्व ज्ञान। एक तो हमारा है तत्वमीमांसा, तत्व ज्ञान, ये ऑन्टोलॉजी है। मेटाफिजिक्स का एक भाग हो गया ऑन्टोलॉजी। अस्तित्व किस चीज़ का है, कोई चीज़ अस्तित्ववान है या नहीं है, इसको कैसे हम देखेंगे और कैसे उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो ऑन्टोलॉजी हमारी इस चीज़ को अध्ययन करेगी। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो आएगी, इसका दूसरा भाग मेटाफिजिक्स का, वो है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टीम माने नो, एपिस्टीम माने नॉलेज, वेद, विद का मतलब होता है, विद मतलब एपिस्टीम, विद माने ज्ञान। हमारे यहाँ वेद जो है उसका मतलब ज्ञान, और वहाँ एपिस्टीम का मतलब होता है ज्ञान। और एपिस्टेमोलॉजी हो गई लॉजी माने साइंस, साइंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या है, नॉलेज के सोर्सेज क्या हैं, नॉलेज की वैलिडिटी कैसे टेस्ट करेंगे हम, नॉलेज की क्या, नॉलेज जो है अनलिमिटेड है या नॉलेज की कोई लिमिटेशन है कि हम सिर्फ इतना ही जान सकते हैं, ये क्वेश्चन सारे के सारे फिलॉसफी देखती है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो जानते हैं कि नॉलेज जो है वो अनलिमिटेड, लेकिन यहाँ कई लोगों ने हमारे माइंड पर सीमा लगा दी कि इससे बियॉन्ड तो माइंड जा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, इसलिए लिमिटेशन लगा दी नॉलेज की। तो इससे ज़्यादा अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो कंट्राडिक्शन में पड़ जाओगे या मूर्खों जैसी बातें करने लगोगे। तो एपिस्टेमोलॉजी में सब चीज़ें देखी जाएंगी। पहले तो देखा जाएगा एपिस्टेमोलॉजी कि किसको नॉलेज कहेंगे आप, ये नॉलेज है या नॉलेज नहीं है। इसके लिए भी कि बिलीफ को नॉलेज कहेंगे आप, ओपिनियन को नॉलेज कहेंगे आप, या लॉजिक को नॉलेज कहेंगे आप, नॉलेज है क्या। दूसरी चीज़ आएगी कि नॉलेज को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। इस पर मैंने हिंदी में एक किताब लिखी है, उसका नाम है ज्ञान की आकारिका, बहुत बड़ी किताब है, 832 पेज की किताब है,
उसमें नॉलेज के एपिस्टेमोलॉजी के सारे क्वेश्चन डील किए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि ज्ञान क्या है, फिर ये ज्ञान एक्सप्रेस कैसे होता है। तो जजमेंट, अब जजमेंट में तो बड़ी हमें भाषा संभाल के काम करना पड़ता है कि जजमेंट कैसे दें उसके बारे में। तो हाउ टू एक्सप्रेस नॉलेज, फिर आ जाता है नॉलेज के साधन क्या हैं, कैसे नॉलेज कैसे कैसे प्राप्त की जा सकती है। जो चीज़ें हमें सामने दिखाई दे रही हैं, क्या उनके बियॉन्ड भी कोई नॉलेज हो सकती है या नहीं है, और अगर हो सकती है तो उनको कैसे हम जानेंगे, तो साधन किसके। और फिर चौथी चीज़ आ जाती है वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। मैंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी के थर्ड गेट के सामने एक बहुत बड़ी कोई वस्तु ऐसी रखी हुई है जो दूर से तो हाथी दिखाई देती है, लेकिन पास में जाओ तो एक पहाड़ी बनाई हुई है। तो मैं जो आपको बात कह रहा हूँ ये वैलिड है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूनिवर्सिटी के गेट पर जाना पड़ेगा, ऐसी चीज़ है या नहीं है। अगर है तो हम कहेंगे तेरा ज्ञान ठीक है, नहीं है तो कहेंगे। तो वैलिडिटी ऐसी चीज़ों की भी देखने के लिए जो मौजूद नहीं है। चांद की बैक साइड पर क्या है वहाँ तो हम जा नहीं सकते, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेथोडोलॉजी बतानी पड़ेगी कि इस मेथड से वेरीफाई हो सकता है कि चांद के परली तरफ क्या है। तो मेथोडोलॉजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकती है और डायरेक्ट वेरिफिकेशन भी हो सकती है। और जिस ज्ञान की हम ना तो डायरेक्ट वेरिफिकेशन कर सकते हैं और ना ही उसकी मेथोडोलॉजी बता सकते हैं, उसको फिलॉसफी कहेगी कि ये नॉनसेंसिकल टॉकिंग है। नॉनसेंस का मतलब मूर्खों जैसी। तो नॉलेज की वैलिडिटी के भी क्राइटेरियन बनाए हैं इसमें, तो इसको कहा एपिस्टेमोलॉजी। अब उन्होंने कहा कि फिलॉसफी का जो मेन फील्ड है वो तो मेटाफिजिकल और मेटाफिजिक्स के दोनों भाग हैं, लेकिन इस फिलॉसफी को हम आदमी के जीवन में जब उतारते हैं तो ये फिलॉसफी ऑफ वैल्यू बन जाती है, वैल्यूज़ की फिलॉसफी, उसको हम कहते हैं एथिक्स। एथिक्स में हम फिर क्या पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड। गुड का उल्टा बैड नहीं होता फिलॉसफी में, गुड का उल्टा होता है ईविल। इसलिए हिंदी में गुड का मतलब हम अच्छा नहीं लेते, हम गुड का मतलब लेते हैं शुभ और ईविल का मतलब अशुभ। कौन सी चीज़ शुभ है और कौन सी चीज़ अशुभ है, हिंदी में ये अर्थ लेते हैं। अंग्रेजी में अर्थ है गुड और ईविल। अब इस पर विचार होगा आदमियों का कि जो मॉरल लॉ हैं सारे हमारे, मॉरल लॉ प्रैक्टिकल होते हैं, इंजंक्शन के रूप में होते हैं, डायरेक्टिव के रूप में होते हैं, कमांड के रूप में होते हैं, चोरी मत करो, मांस मत खाओ, मदरा मत पियो। लेकिन एथिक्स इन मॉरल लॉज को इस तरह डील इंजंक्शन की तरह लागू नहीं करती। एथिक्स ये कहती है कि भाई मीट क्यों ना खाएं, हम मीट खाने में क्या नुकसान है। तो एथिक्स जो है वो लॉ तय करती है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ अशुभ है, इसको जांचने की कसौटियां तय करती है, मॉरल लॉ तय नहीं करती। जैसे एक आदमी ये कहता है भाई ये बताओ कि घी खाना अच्छा है या ख़राब है, अभी मॉरल नहीं, दूसरे यानी साधारण जीवन में कि भाई घी खाना, घी से सेहत बनती है बड़ी अच्छी है, तो कहेगा नहीं इसके पीछे देखो हम सेहत जो बना रहे हैं ये किसी से लड़ करके उसको ये दो मुक्के मारूंगा जान से मार दूंगा इसलिए बना रहे हैं, तब तो घी खाना अच्छा है, और अगर मैं तब तो घी खाना ख़राब है, और अगर मैं इसलिए बना रहा हूँ कि घी खा के तंदुरुस्त रहूँगा बढ़िया रहूँगा और जो लोग कमज़ोर हैं उनकी रक्षा भी करूँगा तो घी खाना अच्छा है। तो एथिक्स जो है कसौटियाँ तय करती है, फिलॉसफी का काम मॉरल लॉ लागू करना नहीं है, फिलॉसफी का काम उन मॉरल लॉज को टेस्ट करना है, क्योंकि फिलॉसफी तो नॉलेज है। तो मॉरल लॉ जो हैं वो काम वो फ़ायदेमंद है शुभ हैं या अशुभ हैं इनको टेस्ट करने की हम कसौटी देंगे। तो इन्होंने दूसरी चीज़ एथिक्स बनाई,
और तीसरी चीज़ उन्होंने बनाई फिलॉसफी का भाग, वो बनाया एस्थेटिक्स। संसार में जब हम वैल्यूज़ के आ गए तो वैल्यू दो तरह की हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी हमारी मॉरल वैल्यू, वो तो एथिक्स डील करेगी, और एक ये हो जाएगी कि इस संसार में जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें कौन सी चीज़ सुंदर है कौन सी चीज़ सुंदर नहीं है। तो उसमें भी हम चीज़ों को नहीं कहेंगे जी हमें पेड़ सुंदर हैं गुलाब के फूल, हम लॉ बनाएंगे कौन से लॉ को पालन किया जाएगा उसके आधार पर हम कहेंगे ये चीज़ सुंदर है। अब इसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सी है फिलॉसफी में, क्रूशे वगैरह तो कहते हैं कि सिमेट्रिकल चीज़ जो है वो सुंदर होगी और ऊबड़ खाबड़ चीज़ जो है सुंदर नहीं लगेगी। हमारा मुंह जब सुंदर लगेगा जब दोनों आँखों में सिमेट्री हो और एक आँख थोड़ी ऊपर हो गई एक था नीचे हो गई, तो हमारा रंग चंग कितना ही गोरा हो हमारा चेहरा कितना हो लेकिन वो सुंदर नहीं लगेगा। इसी तरह से हमारी नाक का है कि नाक का कोई हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा मुँह से ऊपर को हो गया या बहुत ज़्यादा बिल्कुल आके मिल गया तो सिमेट्री लॉस्ट हो गई। तो ऐसे लोग जो है कहेंगे सिमेट्री ही ब्यूटी का क्राइटेरिया है, लेकिन दूसरे लोग ऐसे हैं कांट जैसे, वो कहेंगे कि सिमेट्री में मुझे खूबसूरती दिखाई नहीं देती, मुझे तो दुनिया में दो ही चीज़ें सुंदर दिखाई देती हैं, ईस्टर्न ब्राइड की बिखरी हुई जुल्फें और आसमान में बिखरे हुए तारे, स्टारी हेवन, तो उसको ये चीज़ें सुंदर लग रही हैं। तो इस तरह फिलॉसफी क्वेश्चन उठाएगी और फिलॉसफी ये कहेगी कि तुम्हें ये चीज़ इसका क्राइटेरिया क्या है। तो फिलॉसफी का काम नॉलेज है कि क्राइटेरिया ऑफ ब्यूटी क्या है, ब्यूटी का क्राइटेरिया हम क्या बनाएंगे। तो इस तरह से फिलॉसफी के तीन भाग आरंभ करके आदमी ने सोचना शुरू किया।